प्राकृतिक खेती में इतना सुंदर बगीचा बहुत तारीफे काबिल है अच्छा। तो क्यूँकी रामचंद्र भाई खाली जीवामृत और घन जीवामृत हाँ। और डीकम्पोजर के माध्यम से हाँ। और थोड़ी मल्चिंग हाँ। इस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं मैं तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है अच्छा अच्छा किसान भाई और राम राम मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाई किसान भाइयों आज हमारे फार्म पर महू से कुछ किसान भाई आए हुए हैं जो राजेश भाई है रमेश भाई है वो वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा रहे हैं राजेश भाई आपका परिचय आप दो राजेश पाटीदार ग्राम जामली तहसील महू जिला इंदौर भैया आपका मैं रमेश पाटीदार ग्राम जामली तहसील महू जिला इंदौर से हूँ मैं रजनीश पाटीदार ग्राम जामली तहसील महू जिला इंदौर अच्छा अह राजेश भाई रमेश भाई आप हमारे फार्म पे आए आपको हमारे फार्म पर क्या अलग लगा और कैसे आपका क्या अनुभव है अनुभव तो बहुत ही मतलब विशेष अनुभव रहा आज का अच्छा। क्योंकि भैया के हमारे को पहले से पता था कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं इसी परपस से हम आए भी थे देखने के अच्छा। लिए अच्छा तो यहाँ आकर के जो हमने आज फसल देखी हाँ। कि प्राकृतिक खेती में भी इतनी अच्छी फसल हो सकती है अच्छा। जीवन में पहली बार इतना अच्छा अनुभव मेरे को मिला है अच्छा तो मैं तो भैया बहुत ही मतलब क्या बोल सकता हूँ मेरे को शब्द नहीं है अच्छा अच्छा भैया की मेहनत से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ प्राकृतिक खेती में इतना सुंदर बगीचा बहुत तारीफे काबिल है अच्छा भैया राजेश भाई आप भी जैसे बागवानी कर रहे हो और आपका भी अनुभव आप जो कर रहे हो है ही पर रासायनिक केमिकल के मुकाबले जो आपने हमारे यहाँ प्राकृतिक देखा उसमें आपको और क्या क्या नए नए डिफरेंस क्या लगा मतलब प्राकृतिक खेती में पहले तो पौधों पे चमक बहुत अच्छी है अच्छा। फलों का आकार साइज रासायनिक के मुकाबले बहुत ही फल की सुंदर बहुत सुंदर फल है बहुत देखने बहुत आनंद आपने आया। हमारे यहाँ का फल भी खाया तो जो बी का टेस्ट आता है शुगर फ्री है फीका है हमारे यहाँ का फल आपको कैसे लगा फल का टेस्ट बहुत अच्छा था ये कभी इस प्रकार का फल तो टेस्ट बहुत हमने कभी टेस्ट नहीं किया ऐसा अच्छा बहुत अच्छा है हाँ किसान भाइयों आपने राजेश भाई रमेश भाई का अनुभव सुना प्राकृतिक खेती में टेस्ट में भी जबरदस्त अलग ही मजा है प्राकृतिक खेती का दूसरा हमने आउट सीजन में कटिन लगाई है एक चीज़ मैं और बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती में जो है एक तो सबसे कम है कि खर्चा बहुत कम है। हाँ रसायन में बहुत ही उसका दस गुना खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से क्योंकि रामचंद्र भाई खाली जीवामृत और घन जीवामृत हाँ। और डीकम्पोजर के माध्यम से और हाँ। और थोड़ी मल्चिंग हाँ। इस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं मैं तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा है अच्छा अच्छा आ, किसान भाइयों जो हम कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो रासायनिक केमिकल जो हम अनाधुन उपयोग कर रहे हैं जिसके दुष्परिणाम हमको बहुत सारे ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हमको रात दिन लड़ना पड़ रहा है और उसका परिणाम यह आ रहा है कि उत्पादन गिरता जा रहा है हमारी ज़मीन ख़राब होती जा रही और जो बागवानी करने वाले भाई है उनसे भी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप जहाँ से पौधे ले रहे हैं तो राजेश भाई हमसे प्लांट लेने आए हैं तो जो थाइवन पिंक के राजेश भाई हमसे प्लांट ले रहे हैं ये उधर नर्सरियों में बहुत सारे मिल रहे हैं और नर्सरियों का रेट पंद्रह रुपये से लगा कर पैंतीस चालीस रुपये तक है और हमारा रेट सत्तर रुपये का है फिर भी राजेश भाई हमसे प्लांट ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं राजेश भाई आपको क्या लग रहा है मैंने दूसरी नर्सरियों से भी पौधे लिए थे वो लगाए और उनमें मोटिलिटी बहुत बहुत पौधे मरे उसमें अच्छा। और हमारा ऐसा विश्वास है कि भैया के से जो पौधे ले जाएंगे वो बढ़िया ग्रोथ करेंगे अच्छी फसल देंगे और अच्छा। तो दिखने में भी अभी जो पौधे दिख रहे हैं यहाँ पर हाँ हाँ बहुत ही सुंदर स्वस्थ पौधे दिख रहे हैं हाँ। इसलिए यहाँ से ले रहे हैं आ, किसान भाइयों हम किसी पाली हाउस में पौधा नहीं तैयार कर रहे हैं हम नेचुरल तरीके से जो हमारे यहाँ मदर प्लांट है उस पर गुटी पद्धति से पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसमें नेमा टूट नहीं आ रहा है जो हमारे यहाँ मदर प्लांट है वही मदर प्लांट हम किसानों तक पहुँचा रहे हैं अगर हमारा रेट ज़्यादा है तो उसके पीछे कारण है हमारा पौधा सिलेक्टेड पौधा है और एक विश्वास वाला पौधा है आप आपके खेत पर अगर ट्रांसप्लांट करोगे तो आपको आगे चलकर बेहतरीन उत्पादन देगा ऐसा पौधा है इसलिए हम हमको जहाँ तक पुरवर है वो रेट में हम पौधा बेच रहे हैं आपको जैसा भी लगे आप कहीं से भी ले मैं ये नहीं कहता आप मेरे से ले पर जहाँ से भी ले सिलेक्टेड पौधा ले क्वालिटी वाला पौधा ले ताकि आगे चल वो आपको एक बेहतरीन उत्पादन दे और भी हमारे पास जो जो जानकारी आएगी जो हम हमारे फार्म फार्म पर कर रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहे धन्यवाद